वो प्रतिदिन क्रोध करने वाला परमेश्वर भी है, लेकिन किन के ऊपर क्रोध करता है? बाइबिल में लिखा है परमेश्वर क्रोध भी करता है, लिखा है तू नित्य क्रोध को कमाता है। वो प्रतिदिन क्रोध करने वाला परमेश्वर भी है, लेकिन किन के ऊपर क्रोध करता है? जो पाप करते, गुनाह करते, परमेश्वर के खिलाफ कामों को करना बंद नहीं करते हैं, परमेश्वर उनके ऊपर क्रोध भी करता है। परमेश्वर क्रोध करता है, इसलिए मनुष्य का स्वभाव भी क्रोध करने का है। जब कुछ भी आप गलत देखते हैं, गलत सुनते हैं, तो आपको क्रोध आता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबिल में लिखा है मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। परमेश्वर का क्रोध पवित्र है, वो नाजायज क्रोध नहीं करता है, उसका क्रोध जायज है। लेकिन हम मनुष्य हैं, हमारा क्रोध नाजायज है, हमारा क्रोध पवित्र क्रोध नहीं है। भले ही बहाना इस बात का हो कि उसने गलती किया, उसने झूठ बोला, उसने फलाना काम गलत किया, इसलिए मुझे गुस्सा आया, इसलिए मुझे क्रोध आया, भले ही आपके क्रोध आने का कारण जायज हो, फिर भी आप परमेश्वर की तरह पवित्र क्रोध नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, क्रोध पाप को भी जन्म देता है। आपने जायज बात पर क्रोध किया, लेकिन उसके बाद उसी क्रोध के कारण आपने नाजायज काम किए, मतलब आपने क्रोध में आकर बदले में गाली दी, बदले में घूसा मारा, बदले में दूसरे को हानि पहुंचा दी, तो ये क्रोध आपका पाप बन गया है, ये क्रोध एक बुराई बन जाता है। जब क्रोध में आकर पाप करते हैं, बाइबिल बोलती है क्रोध तो करो पर पाप ना करो। वो आपके मुंह से गालियां निकलवाता है, वो आपके मुंह से दूसरे को हानि पहुंचाता है, वो तरह तरह के युक्तियां और हथियारों को आपके लिए तैयार करके लाता है जब आप क्रोध में होते हैं। तो इसलिए क्रोध ना करें कि शैतान को मौका मिले। अगला वचन पढ़ेंगे, याकूब 1:20। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। मनुष्य का क्रोध परमेश्वर का धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, मतलब परमेश्वर का जो क्रोध है वो पवित्र है। परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, उसका क्रोध धर्म के अनुसार है, लेकिन मनुष्य का क्रोध अधर्म को पैदा करता है। मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की नजर में जायज नहीं ठहरता है, ना जायज है, इसलिए क्रोध ना करें। Romans 3:13-14 पढ़ें। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। किनका मुंह खुली कब्र है? जो क्रोध करते हैं, नाजायज क्रोध करते हैं। एक क्रोध होता है, किसी ने गलती किया, आपको क्रोध आया, लेकिन कुछ लोग क्रोध से भरे ही रहते हैं, हर समय उनको गुस्सा आता ही रहता है, और ऐसे लोगों के बारे में प्रभु का वचन बोलता है उनका गला, उनका मुंह खुली कब्र है। कब्र के अंदर क्या होता है? सड़ी हुई लाश, बदबू, कीड़े, दुनिया भर की दुर्गंध। जो क्रोध करने वाले लोग हैं, उनका मुंह बाइबिल बोलती है खुली कब्र के समान है, मतलब जब भी वो बोलेंगे वो गंदा बोलेंगे, वो गंदगी को फैलाएंगे,
क्रोधी मनुष्य कभी मीठी बात नहीं करता है, क्रोधी मनुष्य कभी शांति की बातें नहीं करता है, क्रोधी मनुष्य जहर उगलता है। आप सांप नहीं हैं, आप बिच्छू नहीं हैं जो जहर को उगलते हैं, आप मनुष्य हैं। और बाइबल में लिखा है आपके लिए कि बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन हो और सुनने वाले पर अनुग्रह हो। आपके बोलने से लोगों के ऊपर अनुग्रह उतरना चाहिए, आपके बोलने से लोगों के ऊपर प्रेम उड़लना चाहिए, आपके बोलने से लोगों को शांति मिलनी चाहिए। आप मनुष्य हैं, आप मसीह विश्वासी हैं, आप मसीह स्वभाव के अनुसार बोलें। आपको किसी ने गाली दिया तो भी आप उसे आशीष दें। बाइबिल बोलती है गाली ना दो, शराब ना दो, आशीष दो। बुराई के बदले भलाई करो, बुराई नहीं। हम लोग दुनिया के लोगों से अलग हैं, परमेश्वर हमें दुनिया के लोगों से अलग रखना चाहता है। जैसे दुनिया के लोग बुराई के बदले बुराई करते हैं, क्रोध के बदले क्रोध करते हैं, ये हमारे लिए नहीं है। हम क्रोध के बदले लोगों को शांति दें, गाली के बदले हम आशीष देने वाले हो जाएं। जब आप क्रोध नहीं करेंगे, आप शांति से और प्रेम से बातें करने वाले हैं, लोग आपको पहचान जाएंगे, आप मसीह हैं, आप एक क्रिश्चियन हैं, आप यीशु मसीह के मानने वाले हैं। क्रोध में आकर झगड़ा करते हैं, क्रोध में आकर लड़ाई करते हैं, क्रोध में आकर गालियां बकते हैं, क्रोध में आकर दूसरों के लिए दूसरों के साथ मार पिटाई करते हैं और फिर बोलते हैं मैं एक मसीह हूँ, ये झूठ है। जो परमेश्वर के वचन पर नहीं चलता वो झूठा है। वचन बाइबिल बोलती है वचन को सुनने वाले ही नहीं वचन पर चलने वाले बने। आज की सुबह परमेश्वर चाहता है क्रोध के स्वभाव को छोड़ दें, क्रोध को अपने जीवन से निकाल कर बाहर करें। और जब आप क्रोध नहीं करेंगे तो आप भी परमेश्वर के क्रोध को नहीं देखेंगे। लिखा है मनुष्य जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। अगर आप क्रोध करने वाले हैं, आप क्रोध बोते हैं तो क्रोध को ही काटेंगे। आप दूसरों के ऊपर क्रोध करते हैं तो परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर आएगा। और क्रोध परमेश्वर का कोई मामूली बात नहीं है, परमेश्वर के क्रोध से ही लोग बीमार होते, समस्याओं में पड़ते हैं, कर्जे में, कंगाली में, दुखों में आ जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोगों के ऊपर से यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने अपने क्रोध को हटा लिया है, परमेश्वर ने अपने प्रेम को उड़ेला है। इसलिए आप भी दूसरों के ऊपर प्रेम और शांति को उड़ेलें, ताकि परमेश्वर का प्रेम और शांति आपके ऊपर उड़ेला जाए। आप भले चंगे रहें, आप गरीब ना रहें, आप कंगाल ना रहें, आप समस्याओं में ना रहें। इसलिए परमेश्वर की शांति, उसकी प्रसन्नता आपके ऊपर जरूरी है। और ये प्रसन्नता कब होगी? जब आप दूसरे लोगों के साथ प्रसन्न होंगे। हालेलुया। ये कृपा कब होगी? जब आप दूसरों पर कृपा करने वाले होंगे। ये क्रोध कब हटेगा? जब आप दूसरों के ऊपर क्रोध करना छोड़ देंगे, परमेश्वर भी आपके ऊपर क्रोध करना छोड़ देगा। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आए, तो हम भी दूसरों के ऊपर क्रोध ना करें, हम क्रोध करना छोड़ दें। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए प्रेयर हेल्पलाइन नंबर पर आप 2400 घंटे कॉल कर सकते हैं।